नमस्कार पेरेंट्स, मेरा नाम अंकुर माथुर है। मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ और बालाजी ग्रुप ऑफ स्कूल्स का डायरेक्टर हूँ। मेरी लाइफ की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और मेरी पूरी स्कूलिंग बाराबंकी में ही हुई। चूँकि स्कूल के डेज में काफ़ी शैतान थे और पढ़ने में थोड़ा सा कम मन लगता था और मैथ से बहुत डर लगता था, तो शुरुआत से ऐसा था कि लाइफ में कुछ ऐसा करना है जो जिसमें मैथ्स ना आती हो और जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो, जो बाकी के बच्चे कर रहे थे वो हमको कभी नहीं करना था। शुरुआत से मेरे पेरेंट्स भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर जोर देते थे कि हम लोगों को बहुत पहले ये डिसाइड कर लेना था कि हमको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, हमको अपना गोल सेट करना था। और हम ये सोचते थे कि हम कुछ ऐसा ही करेंगे जो बाकी कोई नहीं कर रहा हो, एकदम डिफरेंट हो, कुछ अलग हट करके हो। जब ट्वेल्थ करने लगे तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा जब सर्च करी तो ये पता चला कि फिल्म डायरेक्शन नाम का भी कोई कोर्स होता है। हमको लगा कि शायद ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं अपनी क्वालिटी को रख सकता हूँ, क्योंकि उस समय बहुत अच्छा डांस कर लेते थे और बहुत अच्छा बोल लेते थे, स्टेज पर बहुत अच्छा बोल लेते थे, तो हमको लगता था कि शायद मेरी ये क्वालिटीज़ हमको इस फील्ड में हेल्प करेंगी। फिर मुंबई गया, मुंबई से जा कर के फिल्म मेकिंग का कोर्स किया, उसके बाद स्पेशलाइजेशन किया फिल्म कैमरे में और फिर वहीं पर जॉब करने लगा। तो ऐसा लगा कि शायद मैंने अपनी लाइफ में एक सही डिसीज़न लिया था कि जो मुझे पसंद था या जो मेरे अंदर क्वालिटी थी उसी फील्ड में मैं वापस चला गया। टाइम के साथ साथ पेरेंट्स को मैंने मुंबई बुलाया, पेरेंट्स को भी लगा कि मुंबई में उनको अच्छा नहीं लग रहा था, चूँकि जहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई थी उनको वहाँ पर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पेरेंट्स मुंबई शिफ्ट नहीं हुए और हमको ऐसा लगने लगा कि मेरे पेरेंट्स ने हमको लोन लेकर के पढ़ाया है और हमको उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो इस सोच के साथ हमने एक बार फिर से ये डिसाइड किया कि ठीक है, नाम कमाना है लाइफ में, कुछ अलग हट करके करना है तो कर लेंगे, लेकिन पहले अपने पेरेंट्स के बारे में सोच लेते हैं। तो एक अच्छी जॉब को और अपनी मुंबई में एक अच्छी सी दुनिया को छोड़ करके वापस बाराबंकी शिफ्ट हो गए। और जब यहाँ पर आए तो ये एक था कि एक अच्छा से स्कूल खोलना है जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल एजुकेशन देंगे, बच्चों को कुछ नया सिखाएंगे, क्योंकि जब हम स्कूल जाते थे तो स्कूल में काफ़ी डर का माहौल होता था। तो मेरे मन में यह था कि एक ऐसा स्कूल हो जहाँ पर एक फैमिली जैसा माहौल हो, बहुत प्यार हो, बहुत अच्छा लगे। तो 50,000 रुपये अपने दोस्त से लेकर के एक शुरुआत करी मैंने एक स्कूल की जिसका नाम है बालाजी का बचपन। और वहाँ पर दो टीचर थे और 5 बच्चे थे और उनसे मैंने अपने स्कूल की एक शुरुआत करी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वो वही बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में मैंने कभी अपनी खुद की स्कूलिंग करी थी, मैं खुद पढ़ा करता था, और वही बिल्डिंग हमको रेंट पर मिली और हमने उसी में स्टार्ट किया। आज भी जहाँ पर बैठा हुआ हूँ वहाँ पर कभी जब मैं पढ़ा करता था उस समय कभी मैं उस ऑफिस में मुर्गा बना करता था और आज मैं इसी ऑफिस में बैठा हुआ हूँ डायरेक्टर बन के। फिर धीरे धीरे मैंने एक स्कूल से दूसरे स्कूल, दूसरे स्कूल से तीसरे स्कूल, इस तरह करके 6-7 स्कूल बाराबंकी के अंदर हमने खोले और अब हम लोग अपनी फ्रेंचाइजीज भी आगे देने लगे हैं। पेरेंट्स से ये कहना चाहेंगे कि आपका बच्चा कहीं ना कहीं कल आपका एक फ्यूचर बनेगा और बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को ये चीज़ ध्यान देना कि आपके बच्चे को पसंद क्या है या आपके बच्चे के अंदर क्वालिटी क्या है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के अंदर क्वालिटी तो कुछ होती है लेकिन उसको पसंद कुछ और होता है। पसंद वक्त के साथ साथ बदल जाती है, लेकिन अक्सर जो एक खूबी होती है, क्वालिटी होती है हर एक इंसान के अंदर, वो हमेशा बनी रहती है। और अगर उसको हम लोग टाइम दें, अगर उस पर हम लोग वर्कआउट करें तो डेफिनेटली वो चीज़ और इनहेंस हो जाती है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो कोशिश करें कि उनके बच्चे को पसंद क्या है और उसके अंदर कौन सी क्वालिटी है। वो बहुत अच्छा डांस कर लेता है, वो अच्छा गाना गा लेता है, उसकी स्केचिंग बहुत अच्छी है, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, या वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, पढ़ने में उसको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। तो जो चीज़ उसको पसंद हो कोशिश करिए कि आप उसको उसी गोल की तरफ आगे बढ़ाइए। आजकल 11th और 12th तक हमने देखा है या इवन ग्रेजुएशन तक बच्चों को यही नहीं डिसाइड होता है कि उनको फ्यूचर में बनना क्या है। ये बिल्कुल वैसी बात है कि बच्चा अपने घर से निकल लेता है और उसको यही नहीं मालूम होता है कि उसको फ्यूचर में जाना क्या है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि आपके बच्चे का गोल क्या होगा और उसके गोल को सेट करने में उसकी हेल्प करिए। जो चीज़ उसे पसंद हो उसको आगे प्रमोट करिए कि उसी चीज़ में आगे बढ़े। क्योंकि अगर सचिन तेंदुलकर की माँ ने सोचा होता कि सचिन क्रिकेट के साथ साथ बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर ले, और लता मंगेशकर की माँ ने अगर ये सोचा होता कि लता मंगेशकर जी गाने के साथ साथ बहुत अच्छा क्रिकेट खेल लें, तो शायद वो दोनों को आज हम लोग नहीं जानते। आज उन लोगों ने अपनी क्वालिटी को इतना ज़्यादा इन्हेंस किया कि आज उनको पूरी दुनिया जानती है। और तीसरी चीज़ कि अगर आपके बच्चे के अंदर एक जुनून है दशरथ मांझी जैसा जो एक पहाड़ को खोद सकता है, तो हमको लगता है उस जुनून को एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आपको मोड़ना होगा
और ये बहुत जल्दी डिसाइड कर लेना होगा कि बच्चा फ्यूचर में क्या कर सकता है, क्योंकि बच्चे की आधे से ज़्यादा एक्टिव लाइफ तो ऐसे ही बीत जाती है जब बच्चे ने ही नहीं डिसाइड किया होता है कि उसका गोल कौन सा है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि एक बार ये चीज़ देखें कि उसके बच्चे में अच्छा क्या है और उसमें उसको प्रमोट करने की कोशिश करें। हम फ्यूचर के एजुकेशन पैटर्न के बारे में ये कहेंगे कि जो भी पढ़ाई आजकल हम लोग बच्चों को कराते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि जो टीचर ने कॉपी में लिखवा दिया है और जो उस बच्चे ने अच्छी तरह लिख लिया है और उसके जो पूरे नंबर आ गए हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और शायद उतना ही ज़रूरी है। हमको लगता है कि ये वक्त के साथ साथ चीज़ बदल चुकी है। आज के हमारे बच्चे, अगर कोई बच्चा आज क्लास फर्स्ट में है तो आज से 24 से 25 साल बाद वो इस ज़माने में उतरेगा। हमको अपने बच्चे को आज से 24 साल बाद का प्रोडक्ट बनाना है कि वो 24 साल बाद की दुनिया कैसी होगी। और अगर ये चीज़ फील करनी है तो एक बार फील करिए कि आज से पीछे चले जाइए 24 साल पहले, कि 24 साल पहले क्या क्या चीज़ें थी और अब क्या क्या हो गया। तो ये ट्राई हमको और आपको करना होगा कि 24 साल बाद की दुनिया के लिए अपने बच्चे को प्रिपेयर करना होगा कि हमारा बच्चा जब 24 साल 25 साल बाद जब मार्केट में होगा तो वो कैसा होगा। और हमको लगता है कि वो दुनिया ऐसी होगी कि जहाँ पर बच्चा ऑलराउंडर होगा। आजकल इंडियन क्रिकेट टीम में भी इतने ज़्यादा ऑलराउंडर खेलते हैं, तो उसी तरह हम लोग को ऐसा बच्चा चाहिए जो पढ़ाई में अच्छा हो, पढ़ाई के साथ साथ वो बोलता बहुत अच्छा हो, कम्युनिकेशंस उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो हमेशा उसका पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए, वो एक बहुत अच्छा इंसान भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उस बच्चे के साथ होनी चाहिए, तभी जा कर के वो मार्केट में फ्यूचर में सर्वाइव कर पाएगा। पेरेंट्स को इस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो किताबें बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चे केवल अपनी कॉपी के नोट्स को पढ़ लेते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बच्चों को किताब से पढ़ाएं, क्योंकि किताब में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है जो नोट्स में आना पॉसिबल नहीं होता है। अगर बच्चा बुक से पढ़ेगा तो कई सारे पॉइंट्स को कवर करेगा और अपने तरीके से सोचेगा। तो हर आदमी अलग तरीके से सोचता है, उसकी अपब्रिंगिंग अलग तरीके से होती है, तो ट्राई करिए कि बच्चा किताब से पढ़े, किताब से पढ़ने के बाद उस चीज़ को रटे नहीं, उस चीज़ को समझने की कोशिश करे, और अगर उस चीज़ को समझने लगेगा तो वो शायद अपने वर्ड्स में चीज़ों को लिखेगा। तो आगे आने वाला समय ऐसा ही होगा कि पेरेंट्स का जो आप लोगों को फोकस करना होगा वो इस चीज़ पर करना होगा कि बच्चे की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो। और लास्ट में जाते जाते एक बात ये कहूँगा कि ट्राई करिए कि इन सारी चीज़ों के साथ साथ बच्चे को एक कंप्लीट, अगर आपको एक अच्छा इंसान बनाना है तो उसके अंदर एक अच्छे संस्कारों को भी ज़रूर डालिए, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने यहाँ अगर बच्चे को लेती है तो स्किल्स के बेस पर ले तो सकती है, लेकिन आपका बच्चा उस कंपनी में सर्वाइव अगर करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशनशिप के बदौलत करेगा, और रिलेशनशिप बिल्डअप होगी जब उसमें बहुत ही अच्छे संस्कार होंगे, उसके अंदर अच्छी फीलिंग्स होंगी। हर एक कंपनी को आज लॉयल बंदा चाहिए, वो कितना भी एजुकेटेड हो ठीक है, लेकिन हर एक कंपनी को एक अच्छा एक लॉयल बंदा चाहिए। तो कोशिश करिए कि अपने बच्चे को लोगों की भीड़ का हिस्सा न बनाइए, एक अच्छा इंसान बनाइए, और अगर वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा तो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अपने गोल को पा लेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कृति प्रकाशन को कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बातों को आप लोगों के सामने रख सकूँ। मैं कृति प्रकाशन की उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।